हेलो दोस्त, इस क्लास में हम बात करेंगे जड़ी पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ठीक है आपको दे देंगे कि हमको ये बताइए कि एक ऐसा प्लॉट है आयतकार या वर्गाकार, इसका जो है ये भुजा जो है इतना जड़ीब है, ये भुजा इतना जड़ीब है, तो ये कितना स्क्वायर फीट होगा या स्क्वायर करी होगा, स्क्वायर मीटर होगा या स्क्वायर डेग होगा, आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, कोई पूछ देते हैं, लेकिन पूछ देने की बात यहाँ पे नहीं है, बात है ये आपको पर्सनल, ये आपका अमीन का जो है ना एजुकेशन का पार्ट है जड़ीब। जड़ीब की लंबाई आपको हर एक चीज़ में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कैसे, ठीक है, कैसे कैसे होना चाहिए आपको पता, देखिए कड़ी में होना चाहिए, कैसे निकालेंगे ये आपको बताएंगे, जैसे कड़ी में, फीट में, गज में, मीटर में, डेग में, हाथ में, बित्ता में और इंच में। ठीक है, तो ये सारे में होना चाहिए। जिस प्रकार आप पिछले क्लास में क्या पढ़े, ये पढ़े हैं कि कोई भी लगी का मान हो, चार हाथ से बारह हाथ तक में कोई भी लगी का मान हो, तो उसको किस तरह हम कड़ी में, फीट में, डेग में, गज में, मीटर में और बित्ता वगैरह में जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है हर में कन्वर्ट आप किए हैं, तो उसको कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार देखिए, आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता तो इतना ही समझिए, जिस प्रकार आप इससे पहले वाले क्लास किए हैं सभी कड़ी को आप क्या किए हैं सभी यूनिट में चेंज किए, उसी प्रकार जड़ीब को भी यूनिट करने का तरीका इसमें बताएंगे। ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति जड़ीब नहीं जानते हैं, देखिए अधिकतर जगह ठीक है घंटरी जड़ीब चलता है, कौन जड़ीब चलता है घंटरी जड़ीब। ठीक है, तो घंटरी जड़ीब की जो लंबाई अलग अलग में क्या होती है, देखिए सभी जितने भी जड़ीब होते हैं सभी जड़ीब जो है ना सो 100 कड़ी का ही होता है, लेकिन उसकी लेंथ यानी लंबाई में अंतर आ जाता है, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अभी जो हम बात करेंगे घंटरी जड़ीब की लंबाई पे बात करेंगे। प्रत्येक शाहजहानी जड़ीब होता है, ठीक है, मतलब कुल मिला के 5 जड़ीब होता है, वो जड़ीब जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे 5 जड़ीब के बारे में, लेकिन आपको पढ़ना है घंटरी जड़ीब, यहाँ पे बताएंगे क्या घंटरी जड़ीब, आपको पूछ दे देंगे घंटरी जड़ीब भी चलता है, अब इसका चलने का जो है मतलब यूज करने का क्यों यूज किया जाता है ये भी बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में नहीं, जब जड़ीब पढ़ाएंगे ना तो जड़ीब का बहुत सारा सिंबलिक चिन्ह होता है, सिंबलिक मतलब चिन्ह होता है, हर कड़ी के कुछ एक कड़ी के और दूसरे कड़ी के डिस्टेंस में कुछ सिंबलिक चिन्ह रहता है, वो सारे सिंबलिक चिन्ह को पढ़ाएंगे, जड़ीब के विशेषता के बारे में बताएंगे, जड़ीब कैसे वगैरह काम किया जाता है, जड़ीब के मुख्य चीज़ों के बारे में बताएंगे, उसको किस प्रकार आप चेक करते हैं वो हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं, तो इसलिए वो एक मतलब सिलेबस में आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे, अभी बेसिक क्लास है तो बेसिक में ये आता है कि अगर जड़ीब की लंबाई ये अलग अलग यूनिट में क्या होगी। ठीक है, तो ये चीज़ को ये चीज़ आपको जानना अति आवश्यक है। ठीक है, तो आप सिंपल सी तरीका में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मोटा मोटी बात समझ लीजिए कि एक जड़ीब में, ठीक है घंटरी जड़ीब की बात कर रहे हैं, घंटरी जड़ीब लिखेंगे ना एक, अच्छा चलिए घंटरी एक घंटरी जड़ीब बराबर होता है 100 कड़ी, क्या 100 कड़ी, और एक कड़ी का लंबाई आपको पढ़ाए हैं, देखिए लिंक को हर चीज़ लिंक होगा, आप पढ़ेंगे हर चीज़ एक दूसरे से लिंक होगा, तो देखिए एक घंटरी जड़ीब की लंबाई आपको पता है। ठीक है, किस प्रकार पता है, जिस प्रकार आपको एक जड़ीब का पता है ना उसी प्रकार 100 जड़ीब का पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इंच में निकालेंगे एक घंटरी जड़ीब को, उसके बाद सब में निकालेंगे। ठीक है, देखिए एक घंटरी जड़ीब में 100 कड़ी होता है, ठीक है 100 कड़ी होता है, एक घंटरी जड़ीब में 100 कड़ी होता है, और एक कड़ी बराबर आप लोगों को पढ़ा है 7.92 इंच होता है। ठीक है, 7.92 इंच होता है। ठीक है, इसी प्रकार 100 कड़ी बराबर क्या हो जाएगा, 100 कड़ी बराबर यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 100 कड़ी बराबर 100 को गुणा कर देना है 7.92 इंच से, क्यों, क्योंकि 100 कड़ी है इंच। ठीक है, जिसको दिखाई नहीं दे रहा है शब्द पे ध्यान दीजिए जो हम बोल रहे हैं, तो ये हो गया 792 इंच, कितना 792 इंच, देख लीजिए 792 इंच किस प्रकार निकला, ये नया चीज़ नहीं है, आपको एक कड़ी का मान पता है, बोले थे कि एक कड़ी का मान 7.92 इंच होता है, तो 100 कड़ी का मान कितना होगा,
इतना। और ये चीज़ आपको हम बनाने के लिए भी दिए थे, याद कीजिए, आपको याद होगा कि दिए थे 500 कड़ी और शायद जो भी, और एक और दिए 500 कड़ी और कुछ और दिए थे शायद, जो भी दिए होंगे कन्फर्म हमको याद नहीं है, दिए थे वो चीज़ आप यहाँ आपको यूज होगा। ठीक है, देखो किस प्रकार, तो हमको पता चल गया कि एक घंटी जड़ी बराबर 792 इंच, यानी इंच वाला काम हम कर दिए, इंच वाला यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, देखिए जड़ीब को, घंटी जड़ीब को यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, घंटी जड़ीब, ठीक है, जड़ीब को बदले, नहीं दिख रहा है तो लिख लीजिए सुन के, बदले, ठीक है, घंटी जड़ीब को बदले, तो घंटी जड़ीब को बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए इंच बराबर, पहला क्वेश्चन इंच में कितना आ गया, देखिए पहला क्वेश्चन इंच, तो इंच में हम यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं, आप देख लीजिए, तो इंच बराबर यहाँ पे देखिए, इंच बराबर तो एक कड़ी में देखिए, एक कड़ी बराबर ये, एक घंटी जड़ी बराबर होता है 100 कड़ी, कितना 100 कड़ी, एक घंटी जड़ी बराबर, एक घंटी जड़ी बराबर 100 कड़ी, यहाँ पे लिखिए एक घंटी जड़ी बराबर 100 कड़ी और एक कड़ी बराबर 792 इंच, इसलिए 100 कड़ी बराबर 792 इंच, ठीक, देख लिया, एक जड़ी बराबर 100 कड़ी और एक कड़ी में 7.92 इंच है, तो 100 कड़ी में 100 × 7.92 इंच, तो 792 इंच आ गया। तो यहाँ इंच बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, कि 100 आप शॉर्ट फॉर्म में लिख चलेंगे, 100 × 792 यानी 7.92 इंच, तो ये हो जाएगा कितना 792 इंच। ठीक है, 792 इंच हो गया, समझ गए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पीछे वाले चीज को ही लिंक किया गया है यहाँ पे, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है, पीछे वाले चीज को ही लिंक किया गया है। रिवीजन अगर जिनको समझ में नहीं आता है उसको रिवीजन की जरूरत है, जो क्लास मिस की है उस क्लास देखने की हो सकता है, और उसको हैंड नोट्स बनाइए रिवीजन करने के लिए, बार बार आप जाके ऐप्स में जाके बार बार क्लास नहीं देखना है, कॉपी देखना है आपको, इसलिए हैंड नोट्स बनाइए आप। ठीक है, आगे बात करते हैं, दूसरा देखिए, आप देखिए कड़ी में हम चेंज कर दिए, एक घंटी जड़ी बराबर कड़ी में, अभी तो सारा चीज आपको बता दिए लेकिन आपको हर यूनिट में बताएंगे। ठीक है, तो एक घंटी जड़ी को कड़ी में बदले, कड़ी में बदले, क्वेश्चन है कड़ी में बदले, तो कितना है आप लोगों को पता है 100 कड़ी, और नहीं समझ में आ रहा है तो एक देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो एक जड़ी में 792 इंच होता है, 792 इंच होता है, तो इसको आप कड़ी में चेंज करना है तो 7.92 से इसको भाग दे दीजिए, कट के 100 कड़ी आ गया, एकदम बच्चा वाला सवाल, पीछे वाले चीज ही लिंक कर गया, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन गज में चेंज करना है, तो गज एक जड़ीब को गज में बदले, एक जड़ीब को गज में बदले, तो हमको पता है कि एक जड़ीब यानी एक घंटी जड़ीब, जड़ीब मतलब घंटी जड़ीब ही है, हम अगर कोई और जड़ीब का बात करेंगे तो उसका नाम लेंगे, अभी घंटी जड़ीब पर बात करें, तो एक घंटी जड़ीब बराबर 792 इंच, तो उसलिए हमको गज में चेंज करना है, तो 36 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 36 × 72 और 36 × 72 यानी 22 गज हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा तो एक घंटा समय है, आप आराम से बारीकी से हर चीज़ पर डिस्कस कर सकते हैं। चौथा पे बात करेंगे, देखिए चौथा क्वेश्चन है गज के बाद मीटर में, तो मीटर में एक जड़ीब, एक घंटी जड़ीब को मीटर में बदले, एक घंटी जड़ीब को मीटर में बदले, तो हमको पता है एक घंटी जड़ीब बराबर 792 इंच, तो हमको मीटर में चेंज करना है, तो हमको ये भी पता है कि एक मीटर बराबर, एक मीटर में मान होता है इंच में 39.37, अब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपको 20.11, लेकिन कहीं कहीं 20.12 भी लिखते हैं, या 20.12 मीटर। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। पांचवा डेग, मीटर के बाद डेग, एक घंटी जड़ीब को
एक गंट्री जड़ीब को डेग में बदले इधर, डेग बराबर, हमको पता है एक गंट्री जड़ीब बराबर 792 इंच, तो हमको डेग में निकालना है, तो हमको ये भी पता है कि एक डेग बराबर 33 इंच, तो इसको अगर काटेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, देखिए दो, यानी 24, कितना हो जाएगा 24 डेग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। आगे बात करेंगे छठा क्वेश्चन पे, अब हाथ में हम बदलेंगे, क्या चीज में बदलेंगे, हाथ में, देखिए छठा, एक घंटी जरीब को हाथ में बदले, एक घंटी जरीब को हाथ में बदले यानी लंबाई हाथ में बताएं, तो हाथ बराबर, तो हमको पता है एक घंटी जरीब बराबर 792 इंच, कितना इंच 792 इंच, और एक हाथ में होता है 18 इंच, तो देखिए 18 चौक 72 कट रहा है यानी 4 यानी 44 डेग, एक घंटी जड़ी में 44 डेग होता है, क्या होता है डेग हो गया। और उसके बाद है हाथ के बाद है बित्ता, सातवां क्वेश्चन बित्ता, ठीक है सातवां क्वेश्चन क्या है बित्ता, अब बित्ता बोलेंगे तो एक घंटी जरीब को बित्ता में बदले, एक घंटी जरीब को बित्ता में बदले, तो हमको पता है कि एक घंटी जरीब में 792 इंच होता है, 792 इंच होता है, और हमको ये भी पता है कि एक हाथ में 9 इंच होता है, तो 9 से भाग देंगे तो इसको काटेंगे तो ये 18 चौक 72 9 अठे 72 यानी 88 बिताएगा, 80 और 8 88 बिताएगा, ठीक है देखिए सब में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इस चीज को प्रैक्टिस कीजिएगा आ जाएगा। जिस प्रकार आप यहाँ पे बोल दे 2 घंटी जरीब बराबर बताइए, 3 घंटी जरीब, 1.5 घंटी जरीब, 5 घंटी, 50 घंटी जरीब बराबर कितना लेंथ होगा, अलग अलग यूनिट में तो आप निकाल सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन पे आप क्या करेंगे सवाल बना के लाएंगे, आप लोग इसको लिखते चलिए, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ क्या होगा, इसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन आप लोगों को क्या होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन देंगे, ठीक है एकदम सिंपल क्वेश्चन देंगे, देखिए 2 जड़ीब, ठीक है ये क्वेश्चन है, ठीक है यही क्वेश्चन है, इसको पूरा को मिटा देते हैं और आप लोगों को क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है यहाँ पे बदलना है, ठीक है पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, 2, ठीक है 2 जड़ीब क्या क्या करना है, 2 जड़ीब को बदलना है क्या चीज़ में, देखिए यहाँ पे 2 जड़ीब घंटी जड़ीब, जड़ीब हम नहीं लिख रहे, 2 जड़ीब को बदलिए, फिर 3 जड़ीब को बदलिए, ठीक है 3 जड़ीब को बदलिए, 1.5 जड़ीब को बदलिए, सब यूनिट में बदलना है, जड़ीब को बदलिए, 4.5 जड़ीब बराबर बताइए, ठीक है 5वां एकदम आसान, ठीक है 10 जड़ीब बराबर, यानी 2 घंटी जरीब को, फिर 2 घंटी जरीब, 3 घंटी जरीब, 1.5 घंटी, 4.5 घंटी जरीब और 10 घंटी जरीब को कड़ी में लंबाई बताइए, यानी कड़ी में बदलिए, फीट में लंबाई बताइए, गज में लंबाई बताइए, और मीटर में लंबाई बताइए, डेग में बताइए, हाथ में बताइए, बित्ता में बताइए, और इंच में बताइए, जो अभी बताएं, इतना क्वेश्चन है, और 1 2 3 4 5 और ये है अगर 8, यानी 8×5=40 को क्वेश्चन हो गया, इसको आप नोट्स बुक में एकदम स्टेप बाय स्टेप नंबर सीरियल नंबर दे के लिखेंगे बनाएंगे, ठीक है तो क्लास में ऐसी ही एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से एकदम हीरो लेवल तक जाएंगे, ठीक है एकदम स्लोली स्लोली बउआ की तरह बढ़ेगा, फिर जब एडवांस क्लास में जाएंगे तो फिर तो वो हवा में उड़ेगा, अगर ये नहीं रहेगा, ये सब आपको मजबूत नहीं रहेगा तो वहाँ भी जो है ना आपको नॉलेज दिमाग में जाएगा, हवा में उड़ के यानी सीधे क्रॉस करेगा, घुसेगा नहीं, इसलिए बेसिक क्लास ले रहे हैं और इस पर ध्यान देना आपको, ठीक है तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, जय हिंद।